राइट, स्वागत आपका, मैं हूं प्रवीण आपके साथ में, और आज हमारे साथ में नन अदर देन मयंती लैंगर, जिनको आपने हर मैच के पहले, बीच में, आखिर में देखा ही देखा, क्रिकेट मैच स्पेशली। सो मयंती, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं जानना चाहूंगा, आर यू मिसिंग द क्रिकेट ग्राउंड? जी हाँ, मैं मैदान और कमेंट्री बॉक्स को बहुत मिस कर रही हूँ इस समय। इस समय तो IPL होगा, स्पेशली स्टेडियम में वो जो एटमोस्फियर आता है विद द फैंस वॉचिंग द टीम्स इन एक्शन, एंड ऑफ कोर्स जो जॉब एट हैंड है व्हिच इज प्रेजेंटिंग लाइव मैचेस, बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन अभी इस वक्त हम सबको घर पे ही रहना है, इट्स राइट थिंग टू डू, सो ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, और जब कहते हैं ना दिस टू शैल पास, दिस विल पास। राइट, एंड फिटनेस, जी हाँ, फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से इस दौरान? इस समय फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर योर बॉडी बट आई थिंक फॉर योर सोल एंड फॉर योर माइंड एज वेल। तो ऑब्वियसली लिविंग विद अ प्रोफेशनल एथलीट, उनके लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टुअर्ट का अभी बहुत इंटेंस वर्कआउट चल रहा है, सुबह सुबह 11 o'clock एंड देन शाम को 5 बजे। तो मैं भी थोड़ा योगा करती हूँ, एंड देन थैंकफुली अपने बिल्डिंग में एक टेरेस है, सो आई गो अप टू द टेरेस एंड वर्कआउट एट द सेम टाइम। मैं तकरीबन 1-1.5 महीने ये जो मैंने रहे, ये लास्ट 15 सालों में मेरा सबसे लॉन्गेस्ट स्टे है मेरे घर पे। आपको याद है कि आप इतने लंबे टाइम के लिए लास्ट कब अपने घर पर रहे थे? Can't remember the last time where a month went by where neither of us had a flight to take. तो पहली बार हम, you know, for such a long time we're staying at home, sharing a home. तो मेरे जॉब लिस्ट में आई थिंक दोनों साथ साथ में हम कुकिंग करते हैं कभी कभी, अगर वन इज टायर्ड ऑफ कुकिंग देन यू लाइक चलो आज आपकी ड्यूटी है कुकिंग, क्लीनिंग साथ में, और देन ऑफ कोर्स इंस्पायरिंग ईच अदर टू वर्कआउट इन एवरी सिंगल डे, तो द डे गोज बाय इन दैट। क्या बात है। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें हैं वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में बहुत ड्रास्टिकली बदलने वाली है ड्यू टू दिस COVID-19? नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, आई मीन पूरी दुनिया में, द होल वर्ल्ड विल चेंज आफ्टर दिस, एंड थोड़ा अगर हम सीरियस हो जाए, वी हैव टू रियलाइज दैट ऑल द थिंग्स वी यूज्ड टू टेक फॉर ग्रांटेड वी कांट टेक फॉर ग्रांटेड एनी मोर, एंड हमें देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट द वन गुड थिंग इज दैट ब्रॉडकास्टर्स विल बी देयर, तो आप टेलीविजन पर देख सकते हो एंड समथिंग एटलीस्ट एनीथिंग टू गेट क्लोज टू द गेम दैट यू लव। 100% की बात कही है मयंती लैंगर जी ने। सो मयंती, आप घर से बाहर निकल रही हैं कभी कभार ग्रोसरीज वगैरह लाने के लिए? We don't step out at all, और वो जो डिलीवरी सर्विसेज है, यहाँ एक ऐप है डंजो जिसपे यू नो यू कैन असाइन अ टास्क, ग्रोसरीज वगैरह वगैरह का घर पे आ सकते हैं, सो रियली वांट टू थैंक ऑल दोज पीपल आउट देयर हु आर पुटिंग देमसेल्व्स एट रिस्क, स्पेशली ऑल द डिलीवरी बॉयज जो ग्रोसरी हु आर रनिंग द ग्रोसरी स्टोर्स, मेकिंग श्योर वी गेट सप्लाईज। यहाँ बैंगलोर में बहुत सीरियसली लोग ले रहे हैं लॉकडाउन, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा ये बताओ, आप अपने पूरे परिवार के साथ में रह रहे हो या फिर सिर्फ आप और आपके हस्बैंड एक साथ? पूरे फैमिली के साथ तो नहीं है, मेरी फैमिली तो दिल्ली में है, मेरे इन-लॉज जो है वो अभी अपने फार्म बंदीपुर में है सिंस द लॉकडाउन बिगेन, सो इट्स जस्ट मी एंड स्टुअर्ट व्हिच इज ग्रेट, क्योंकि वी बीन मैरिड फॉर 7.5 years एंड बीन मैरिड टू प्रोफेशनल एथलीट एंड डूइंग व्हाट आई डू, वी ऑलवेज ट्रैवल, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7.5 years वी हैड अ चांस टू लिव टुगेदर एट होम फॉर मोर देन अ मंथ, चेरिशिंग दैट मोमेंट, एंड आई थिंक दैट्स द वन थिंग वी ऑल हैव टू लुक बैक ऑन। कभी कभी यू नो वर्क शेड्यूल्स के साथ, ट्रैवल शेड्यूल्स के साथ हम सबको ये टाइम नहीं मिलते हैं, प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग बोर्ड गेम्स, वॉचिंग मूवीज टुगेदर, ये सब क्वालिटी टाइम जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार जो है वो ऐसे ही बरकरार रहे, आपका संदेश क्या होगा हमारे लिसनर्स के लिए? I think the only message I would want to give all the listeners out there is stay safe, stay at home, and listen, this will pass. Those of you who are dealing with COVID-19, you have all our wishes that you get well soon, that you fight this, we will support you, and those of you who are putting yourselves out there in the front line to help all of us, medical professionals, police officers, doctors, thank you so much for your service, and we'll get through this together. Thank you so much, Mayanti, for talking to us. So, ladies and gentlemen, ये थी मयंती लैंगर हमारे साथ में, बताते हुए कि लॉकडाउन पीरियड में वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, फिटनेस के लिए क्या कर रही हैं। So, अभी आप भी थोड़ा फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, और रेड FM हमारे साथ बजाते रहो।